मैं शिबू थॉमस पर्सिक्यूशन रिलीफ से ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बहुत दिनों से ये सुनने में आ रहा है टीवी चैनलों में, न्यूज़पेपर के द्वारा, कि यूनियन गवर्नमेंट नेशनल एंटी कन्वर्जन लॉ इंप्लीमेंट करने जा रही है पूरे भारत में। भारत में ऑलरेडी 8 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ लागू है। 1997 में उड़ीसा में, 68 में मध्य प्रदेश में, उसके बाद 6 और राज्यों में इसको इंप्लीमेंट किया गया। बेसिक उद्देश्य यह कहा गया है कि एंटी कन्वर्जन लॉ लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कन्वर्जन को रोका जाए, जो ईसाई समुदाय कन्वर्ट कर रही है लोगों को। यहां पर रुककर एक बात बताना चाहता हूं कि कन्वर्जन जो है ये एक अर्थली या मनुष्य का प्रोसेस नहीं है, ये स्वर्गीय प्रोसेस है और ये परमेश्वर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। उसमें अगर कोई रोकना भी चाहे कि कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का मामला है। इसमें कोई ईसाई का या चर्च का कोई रोल नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का रोल है। कन्वर्शन एक अर्थली प्रोसेस ना होने के वजह से एक बुरा इंसान परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद उसका परिवर्तन होकर वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। यहां धर्म का मामला नहीं है, सच्चाई और प्रेम और सद्भाव से चलने की बात है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप ये लागू करने से पहले, सुनने में आ रहा है कि इसी सत्र में आप इसको लागू करेंगे, हमारा इतना ही निवेदन है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स, हम आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ समय आपसे इस विषय को लेकर बातचीत करना चाहते हैं, आपको हमारा पक्ष बताना चाहते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली निर्णय आपका है और कैबिनेट का है कि आप क्या लेना चाहते हैं। और एज अ लॉ अबाइडिंग क्रिश्चियन, हमारा ये हमेशा परिश्रम रहा है कि जो भी सरकार निर्णय लेती है उसको हम 100% पालन करेंगे, एक्सेप्ट हमारा फेथ को लेकर। जहां तक हमारा फेथ का मामला है, यीशु मसीह ने आदेश दिया कि जाओ, गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, एंड टीच देम टू ओबे व्हाटएवर आई हैव कमांडेड यू। ये स्वर्गीय आदेश है और ये आदेश मेरा परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, जिसने मुझे धरती पर भेजा। हम जबरदस्ती किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, लेकिन यीशु का प्रेम का संदेश पहुंचाना हमारा काम है और हम वो आखिरी दम तक करते रहेंगे। लेकिन हमारा आपसे इतना ही निवेदन है कि हमारे पक्ष को सुन ले और आप जो निर्णय लेंगे, हमेशा हम आपके साथ हैं। एक तरफ हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि एक रिलीजन को प्रोपोगेट करना, प्रीच करना और उसको प्रैक्टिस करना, ये हमारा राइट है। बट हम इन सब मामलों में आपसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें थोड़ा समय दें ताकि हम आपसे इस बारे में चर्चा करें, उसके बाद अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि कलीसिया निरंतर आपके लिए और आपके मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं, और ये हमारा मानना है कि अगर सिंहासन में किसी को और बैठना है, वो परमेश्वर की इच्छा के बिना हो नहीं सकता है, और इस बात को पूरा यकीन करते हैं कि प्रभु ही आपको प्रधानमंत्री बनाकर भारत में रखा है। हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको स्वर्गीय ज्ञान से भर दे। दुनिया का सबसे बड़ा राजा सोलोमन प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे स्वर्गीय ज्ञान से भर दे। आपको भी प्रभु स्वर्गीय ज्ञान से भर दे, ताकि भारत की जो करंट परिस्थिति है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे इकोनॉमी हो, इन सब के ऊपर विजय पाने के लिए आपको प्रभु स्वर्गीय ज्ञान दे और भारत को इतना खूबसूरत जहां बनाए कि सारी दुनिया में एक मिसाल कायम करने के लिए आपको प्रभु बुद्धि और ज्ञान दे। और हमारी समुदाय आपके साथ हमेशा है और हमेशा खड़ी रहेगी। इस प्रार्थना और विनती के साथ मैं ये संदेश को रोकता हूं और कलीसिया से मेरा ये निवेदन है कि अगर ये प्रभु की तरफ से है तो ये होकर रहेगा, अगर प्रभु की तरफ से नहीं है, जैसे एस्तर उपवास और प्रार्थना के साथ अहश्वेरोश राजा के पास गई,
भले ही अशरस राजा ने सिग्नेट रिंग लगाकर ऑर्डर पास कर दिया था, लेकिन एस्तर उपवास और प्रार्थना के पास राजा के पास गई तो राजा ने उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और यहूदी की जान बचा ली गई। वैसे ही अगर हम प्रार्थना करेंगे और मोदी जी तक ये बात पहुंचती है तो प्रभु जरूर उनसे बात करेंगे और इस बात के ऊपर परमेश्वर का निर्णय अंतिम होगा। ये भरोसा के साथ हम आगे बढ़े। भारत की आज की परिस्थिति को देखकर हम एकजुट होकर भारत के लिए प्रार्थना करें, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करें, कैबिनेट के लिए प्रार्थना करें, ताकि इस बड़ी महामारी से देश को आजाद कर सके और प्रभु शांति और आनंद से इस देश को भर दे। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक ये बात को पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।